आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी की मज़ेदार मसालेदार चटपटी सब्ज़ी। इसे बनाना बहुत आसान है, थोड़े से सामान में ये फटाफट बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो जो लोग पहली बार खाना बना रहे हैं या जिन लोगों ने अभी अभी खाना बनाना शुरू किया है, उनके लिए रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एक ही तरह की लौकी की सब्ज़ी खा के बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। तो कुकर में तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है इसे भी डाल देंगे, 3-4 लौंग ली है हमने इसे भी डाल देंगे, लौंग से बहुत अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी से, और एक बड़ी इलायची को हमने बिल्कुल दरदरा क्रश कर लिया है इसे भी डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे तीखे के लिए, आप चाहें तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ये हमने एक कटा हुआ प्याज लिया है इसे भी डाल देंगे, और सारी चीज़ों को हम मिलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। आज हम सब्ज़ी कुकर में बना रहे हैं, आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है। एक चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है इसे भी डाल लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे हम सारी चीज़ों को मिलाते हुए। मैं अपने चैनल पे बहुत ही सिंपल किचन के बेसिक से सामान में बनने वाली रेसिपी लेकर के आती हूँ, तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक टमाटर हमने रफली चॉप कर लिया है इसे भी डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। तो सारी चीज़ें आपस में मिल गई हैं बढ़िया से। अब हम इन्हें 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो 2-3 मिनट हो गए हैं, टमाटर जो हैं पकना शुरू हो गए हैं, ये हल्के हल्के सॉफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं, तो अच्छे से मिला देंगे एक बार ताकि कुछ जले नहीं नीचे से। और अब हम इसमें लौकी ऐड करेंगे। तो 1/2 किलो के करीब हमने लौकी काट ली है, अच्छे से हमने धो के छील के काटा है। अब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं, नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर डाल देंगे और धनिया पाउडर भी डाल देंगे। हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, उससे कलर बहुत अच्छा आता है, और तीखे के लिए हरी मिर्च हमने पहले डाली ही है। सारी चीज़ों को मिलाते हुए भून लेंगे हम ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। ढक देंगे इन्हें और 2-3 मिनट के लिए हम ऐसे ही पकाएंगे ढककर। तो 2-3 मिनट हो गए हैं और मसाले जो हैं हमारे बढ़िया से भून चुके हैं बहुत ही अच्छे से, मसालों का कच्चापन भी निकल गया है, तो एक बार अच्छे से मिला देंगे ताकि नीचे से कुछ जले नहीं। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1/2 ग्लास के करीब हम पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हम बिल्कुल सेमी थिक टाइप की ग्रेवी बनाएंगे सब्ज़ी के लिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली। मिला दिया है पानी और सब्ज़ी को अच्छे से, तो अब हम इसमें कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब हम इसमें 2-3 सीटी लगवाएंगे, या तब तक जब तक लौकी हमारी अच्छे से पक नहीं जाती है। तो हमने 3 सीटी तक पका लिया है सब्ज़ी को, और आप देख सकते हैं सब्ज़ी बिल्कुल पक के तैयार हो गई है, लेकिन अभी ये एक जैसी नहीं हुई है, तो थोड़ा सी इसे हम और पकाएंगे बिना ढक्कन लगाए। तो अब हम इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और स्वाद और खुशबू के लिए गरम मसाला डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। हमने इसे थोड़ा सा बिना ढक्कन लगाए भी पकाया है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल थिक हो गई है सब्ज़ी, और कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्ज़ी का निकल के। तो है ना बिल्कुल झटपट बनने वाली रेसिपी। तो प्लेटिंग हमने कर ली है सब्ज़ी की, और आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग हमारी लौकी की मसालेदार सब्ज़ी दिखाई दे रही है। कुकर में बिल्कुल ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, और कम से कम सामान में बनके तैयार हो जाती है, और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें।